हम लोग ये सब करना शुरू करते हैं। बच्चों मैं आज आपको कक्षा चार में हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ और हिंदी विषय में आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 जैसे को देशा का भक्ति सरण। तो हमने पहले दो भाग में देखा है कि मगनलाल और छगनलाल दो दोस्त थे और जब मगनलाल का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था तो उसने अपना घर जमीन जायदाद बेचकर शहर छोड़ने का फैसला किया। परंतु उसके जो पुरखों का एक लोहे का खंभा था वह कोई गांव में नहीं रखना चाहता था। तभी वह छगनलाल के पास आया और उसने उससे मदद मांगी, आप मेरे इस खंभे को अपने पास रखो। तो वो तो मित्र था ना बच्चों, तो उसने अपने मित्र को मदद करने के लिए हाँ कहकर वो खंभा अपने पास रखवा लिया और फिर वह निश्चित होकर मगनलाल वहाँ से दूसरे शहर की ओर व्यापार करने के लिए चला गया। अब मगनलाल जो था वह 3 वर्ष तक दूसरे हर शहर शहर घूमकर व्यापार करने लगा और उसने बहुत सा धन कमा लिया। जब उसने बहुत धन कमा लिया बच्चों तो फिर वह अपने गांव में वापस आया और उसके पास बहुत धन हो गया था ना, तो उसने बड़ा सा अपने लिए मकान खरीद लिया और वहाँ वह अच्छे से बड़े थाट से रहने लगा और वहीं फिर से उसने व्यापार शुरू कर दिया। फिर वह अपने दोस्त छगनलाल के घर आया और इसके आगे का दृश्य भी हम देखेंगे। छगनलाल यह तो मुझे बड़ी अच्छी खबर सुनाई। फिर जब वह अपने दोस्त के पास आया और उसने कहा था कि मेरा तो अच्छे से व्यापार चला 3 वर्ष तक और मैंने बहुत सा धन कमा लिया है। तभी वह छगनलाल के पास आया, उसने कहा कि मैं तो बहुत धन कमा कर आया हूँ और यहाँ भी मैं फिर से व्यापार करूँगा। तो यह बात सुनकर छगनलाल को बड़ी अच्छा लगा और फिर उसने उसके आगे कहा, मगनलाल ने कहा, अच्छा छगन भाई मैं अपना लोहे का खंभा लेने आया हूँ। उसने कहा कि जो मैंने 3 वर्ष पहले आपके पास लोहे का खंभा पुरखों की निशानी थी ना वो आपके पास रखी है, वो मैं वापस लेने आया हूँ। जो मैं यहाँ से जाते समय तुम्हारे पास रख गया था, जो जाते समय मैंने तुम्हारे पास देकर गया था, मनुष्य तो पर चला गया था ना, वो खंभा मुझे वापस दे दीजिए। छगनलाल, खंभा क्या कहूँ मगनलाल, मैंने तुम्हारा खंभा खाने में रखवा दिया था कि वहाँ सुरक्षित रहेगा। छगनलाल ने क्या कहा, खंभा? तो उन्हें आश्चर्य लगा, क्यों क्या कहूँ मगनलाल ने कहा, तहखाने में यानी नीचे जो घर के नीचे जो बना हुआ घर होता है उसे हम तहखाना कहते हैं, तो मैंने वहां तो रख दिया था कि वहां सुरक्षित रहेगा, वहां पर सुरक्षित रहेगा इसलिए मैंने वो तहखाने में रखवा दिया था। अभी पिछले दिनों नौकर ने बताया कि उसका तो कुछ बचा ही नहीं, चूहों ने पूरा खंभा खा लिया। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे नौकरों ने बताया, मेरे घर में जो नौकर है उन्होंने मुझे बताया कि उसका कुछ भी बचा नहीं है, वो जो लोहे का खंभा है उसका कुछ भी बचा नहीं है, चूहों ने उसे खा लिया है। अब लोहे का खंभा चूहे खाते हैं जो नहीं खाते हैं ना, क्योंकि उसने यह बताया। दुर्भाग्य से ऐसा खंभा बाजार में कहीं नहीं मिला वरना मैं तुम्हें खरीद कर दे देता। अभी उसने क्या कहा, दुर्भाग्य से मैंने मेरे नसीब खराब थे जो मुझे वह खंभा बाजार में उस प्रकार का कोई खंभा नहीं मिला, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए लाकर दे देता। मेरी तो जवाबदारी नहीं थी ना मैंने कि मैं वो खंभा अपने पास सुरक्षित रखूंगा, लेकिन मैं नहीं रख पाया इस वजह से मैं खरीदने के लिए गया परंतु मुझे वैसा खंभा नहीं मिला। मगर मैं सोचने लगा, क्या कह रहे हो, इतना भारी लोहे का खंभा चूहे खा गए। उससे बहुत आश्चर्य हुआ कि लोहे का खंभा वो चूहे खाते हैं और उसमें भी भारी था, चूहों ने कैसे खा लिया, कुछ आश्चर्य हुआ। छगनलाल, मैं स्वयं बहुत लज्जित हूँ और मैंने तुम्हारे खंभे की ठीक से देखभाल नहीं की। अब छगनलाल को तो कुछ ना कुछ बहाना बताना था ना, तो उसने क्या कहा, मैं बहुत लज्जित यानी शर्मिंदा हूँ कि मैंने देखभाल करने की खंभे की जो वादा किया था वो मैं नहीं निभा पाया। अब इसके आगे देखिए, मगनलाल जाने दो, मगनलाल ने क्या कहा, जाने दो मित्र, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। मगनलाल जो था वो क्या कर सकता था, तो उसने कहा, जाने दो मित्र, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है।
कोई बात नहीं है, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। और तुरंत जाते वक्त तो उसे याद आया, अरे हाँ मुझे याद आया है कि मैं जब यात्रा में था तब मैंने तुम्हारे लिए उपहार या फिर कोई चीज या वस्तु या गिफ्ट खरीदी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे साथ जरा अपने बेटे को भेज दो, मैं वह उपहार उसे साथ भेज दूंगा। अपना आपका जो बेटा है चंदनलाल को क्या कहा उसने, आपका जो बेटा उसे मेरे साथ भेज दो मेरे घर, तो मैं वो आपका उपहार आपके बेटे के साथ भेज दूंगा। चंदनलाल, पंकज पंकज जरा इधर आना, देखो ये तुम्हारे चाचा जी हैं, इन्हें प्रणाम करो, उनके साथ जाकर मेरा उपहार ले आओ। चंदनलाल ने जोश में आकर कहा, पंकज 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 नाम का जो उसका बेटा था उसे उसने कहा, आवाज लगाई जोर से कि पंकज जरा इधर आना, यह जो मदनलाल है वह तुम्हारे चाचा जी है, इन्हें नमस्ते करो। अगर अपने घर में कोई आता है बच्चों तो हम उन्हें नमस्ते कहते हैं ना, उसी प्रकार जगन्नाथ ने अपने बेटे पंकज को कहा कि तुम इन्हें चाचा जी को नमस्कार करो और इनके पास जो मेरा उपहार पड़ा है उसे आप लेते आओ। फिर पंकज ने कहा, अच्छा पिताजी। तो पंकज जो था उनका बेटा, उन्होंने कहा ठीक है मैं चाचा जी के साथ जाकर उपहार लेकर आता हूँ। तो इसी प्रकार आपने देखा ना कि जो जगन्नाथ था उसने क्या कहा, ये खंभा तो चूहे खा गए, तो मैं आपको कुछ खंभा नहीं लौटा पाऊंगा। लेकिन इस पर मदनलाल बोली या फिर दुखी नहीं हुए, उन्होंने कहा हर चीज तो खत्म होने वाली ही है, तो क्यों इसके लिए तुम अपने पर दोष लेते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए यात्रा से उपहार खरीद कर लाया हूँ वो लेने के लिए जरा अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, तो वह मैं उसके पास दे दूंगा। तो यहाँ तक की कहानी हमने देखी बच्चों, इसे एक बार फिर से पढ़िए करके। Have a soon, keep smile, stay safe.